हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, भैया भाभी लोग आने वाले हैं, तो सब लोग आ गए हैं। भाई लोग हैं, भाभियाँ भी हैं, बहन भी आई हैं, और जितने भी छोटे मोटे चुंगू मुंगू बच्चे हैं सब लोग आए हुए हैं। तो मैं इन्हीं लोग को बाहर लेने आई हुई हूँ। बारात विदा वाला सारा कार्यक्रम हो गया है, और घर से भी मेरे सब लोग आ गए हैं, मेरी भाभी लोग और मेरी बहन लोग। सबको दिखाऊं अभी? और ये देखो, लेकर के बड़ी वाली मामी बैठी हुई है, अपनी बड़ी मामी की गोद में है चिन्नू मुन्नू। और ये यहाँ पर छोटी वाली मामी, ये और भी छोटी वाली मामी, तो सब लोग आए हुए हैं। और अभी अभी शादी वाला घर है ना, तो काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है चारों तरफ। तो अभी मैंने ना यही रूम पर बैठा दिया है, फिर मैं अभी ऊपर लेकर के इन सबको चलूंगी। तो ऊपर जा करके ना फिर हम लोग तसल्ली से बातें बातें करेंगे सब लोग बैठ करके आराम से ना, क्योंकि यहाँ शोर शराबा बहुत हो रहा है। तो सही से ना तसल्ली से बात बात करने नहीं मिल रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना, ये सबको ऊपर लेकर के जाती हूँ और फिर हम लोग आराम से बातें बातें करते हैं वहीं ऊपर। फिलहाल मैं आप लोगों को ममा अर्थ के नेचुरली मैट लिप सीरम के बारे में बताना चाहती हूँ। ये नॉर्मल रेगुलर लिक्विड लिपस्टिक नहीं है, और ये लिप सीरम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके लिप्स को 8 घंटे तक हाइड्रेट रखता है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये 8 डिफरेंट शेड में आता है, आपको जो भी पसंद हो आप वो सेड चूज कर सकते हो। और साथ ही आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप इनको रेगुलर यूज कर सकते हो, क्योंकि ये लिप सीरम टॉक्सिन, केमिकल और पैराबेन फ्री है। ये मैं आप लोग को दिखा दूँ, पूरे के पूरे 8 डिफरेंट सेड हैं, इनमें से कोई भी सेड जो आपको पसंद हो आप ले सकते हो। ये लिप सीरम स्मज प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ है, जो कि 12 घंटे तक लॉन्ग स्टे देता है। और अभी मैं एक लिप सीरम सेड लेकर के अपने लिप्स पे अप्लाई करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर का सेड लिया हुआ है। इसके इंग्रेडिएंट है विटामिन सी एंड विटामिन ई। विटामिन सी लिप्स के पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है और ब्राइटन करता है। विटामिन ई लिप्स को डीपली नरिश एंड मॉइस्चराइज करता है। तो ये आप लोग देख सकते हो, मैंने इसको लगा लिया है और कितना प्यारा कलर आ रहा है। लिप सीरम ड्राई होने के बाद अभी मैं फिंगर के हेल्प से इसको छुटा करके आपको दिखाती हूँ, और आपके सामने ही रिजल्ट है, फिंगर में बिल्कुल भी नहीं लगा है। और साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ममाअर्थ के आप कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपके ऑर्डर को इनकी वेबसाइट पे एक नए लगाए गए प्लांट्स के साथ लिंक कर दिया जाता है। 2025 तक इनका 1 मिलियन प्लांट्स लगाने का एम है, सोचो। और साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, आपको अमेजोन, नायका, ममाअर्थ की वेबसाइट और ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग को मिल जाएंगे। और भी आप लोग को बताऊँ, ममाअर्थ जितनी प्लास्टिक यूज करता है ना, उससे ज़्यादा प्लास्टिक रिसाइकिल करता है। और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करोगे ना, GWP2022, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इन सभी प्रोडक्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग मेरे लिंक के थ्रू जा करके इनको बाय कर सकते हो। चेंज कर लिया, ये हल्की सी एकदम लाइट वेट साड़ी डाल लिया है, और हम लोग ऊपर छत में आ गए हैं खाना खाने। दिखाऊं आपको, सब लोग भाभी लोग आ गए हैं हम लोग, और स्वयं सेवा है, क्योंकि बारात वाला दिन है ना, तो सब लोग इतना ज़्यादा अपने अपने में, मतलब बारात वरात विदा करने में लगे हुए थे। अभी सब कौन कहाँ है कुछ भी अता पता नहीं है, तो अभी स्वयं सेवा ही है। तो चलते हैं, लगा लेते हैं खाना, वैसे बना रखा ही है, जिसको भूख लगे अपना आकर के खा ले, यही वाला सीन है। तो चलते हैं, मैं इन लोगों को खिला देती हूँ। बाल वाल जैसे भी मैं पाई ना वैसे ही बांध दिया है, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी है। तो चलो खाते हैं, और पता नहीं क्या क्या बना है इसमें, थोड़ा सा तो मुझे सब्जी दिख रही है, आई थिंक दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बना हुआ है। और अभी ना 4:30 या 5 बजने वाला है, इतना ज़्यादा टाइम भी हो गया है, जुबान भी मेरी लिपटने लगी है। और अभी मैं इन सबको खाना लगवा देती हूँ, निकाल लेते हैं, मैं खुद भी खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने भी नहीं खाया हुआ था, वही सुबह जो हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर लिया था बस उतना ही खाए थे। और अभी शाम होते होते ना, अब जब सारा फंक्शन ख़त्म हो गया, बारात विदा होने वाला, तो याद आया कि अरे यार भूख लगी है, अभी तो खाना भी खाना है।
तो बस सब लोग खाना निकाल रहे हैं और दाल हमने नहीं खाया क्योंकि दोपहर का खाना बना था ना तो ऑलमोस्ट पूरा ठंडा ही हो गया था और ठंडा खाना कितना भी करो ठंडियों में वो टेस्ट नहीं रह जाता है। तो फिर हमने ना सब्जी चावल और पूड़ी यही तीन चीज़ खाया हुआ था और अभी फिर इसके बाद नीचे चले जाएंगे। बट हाँ, इसके बाद फिर मैंने वीडियो नहीं शूट किया हुआ था तो अभी अब मैं आप लोग को सारा सामान दिखाऊंगी जो दौरी पीड़ा में जो भी सामान आया ना वो मैंने क्लिप शूट करी है अगले दिन, तो मैं इस वीडियो में ना ऐड कर रही हूँ और सारा सामान आप लोग को दिखाऊंगी घर से मायके से क्या क्या आया है और आप लोग को भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि दौरी पीड़ा में क्या क्या सामान दिया जाता है क्या क्या आता है। तो चलो अभी आगे अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये आप लोगों को मैं सारा सामान दिखा दूँ जितना भी आया हुआ है और बारात विदा होने के टाइम पे ही तो भैया भाभी लोग सब लोग आए हुए थे, फिर उसी टाइम पे इतना ज़्यादा सब कुछ हौच पौच हो गया था ना तो हमने एक जगह इकट्ठा सारा सामान रखवा दिया था कि फिर जब हम लोग बाद में बिल्कुल फ्री होंगे ना तब फिर अगले दिन हम लोग इसको खोल करके देख लेंगे। और वैसे भी ये जो दौरी वाला जो ताज़ा सामान आता है ना इसको उसी दिन नहीं खोलते हैं ऐसा सब बोलते हैं बड़े, तो इसलिए उस दिन खोला भी नहीं गया था, अगले दिन खोला जाएगा तब अभी फिर सारा सामान आप लोग को अच्छे से अभी मैं दिखा दूंगी। और अभी आप लोग देख सकते हो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बोरियों में दाल चावल आटा और सारे जो झोले हैं ना इनमें कपड़े हैं और जो मटकी टंकी टाइप की दिख रही है ना इनमें बूंदी का लड्डू और आटे वाला लड्डू बालू साई और कुछ फ्रूट्स वाली डलिया भी हैं, यही सारी चीज़ें, वो जो मिट्टी का मटका दिख रहा है ना उसमें भी आटा वाले लड्डू हैं। और अभी दिखा दूँ आप लोग को ये घर के जितने लड़के हैं पाँचों उनके लिए और जो मेरे नंदोई हैं जिया जी उनके लिए छह लोग के लिए कपड़े हैं और ये सब के लिए साड़ियाँ आई हैं, जितनी भी मेरी सास है मतलब तीन ही सास हैं तो तीनों सासू माँ के लिए और हम लोग के लिए सबके लिए साड़ियाँ आई हुई हैं और सामान भी है थोड़ा बहुत मेकअप वाला सामान है। वैसे तो साड़ियों के साथ भी बिंदी चूड़ी सारा सेट है सब, ये आप देख सकते हो ये ब्लू वाली मेरी है, ब्लू है आई थिंक ग्रे है। और अभी ये सब भी मैं दिखा दूँ, बूंदी का लड्डू है और आप लोगों को दिखाऊँ ये कितना प्यारा सजा हुआ है ना, जो स्टील की ये मटकियाँ हैं ना इनमें जो खिलौने लगे हैं चूड़ियाँ लगी हैं बहुत प्यारी लग रही थी सजी सी। और इस टंकी में भी बूंदी के लड्डू ही हैं, इस डलिया में भी बालू शाही लड्डू यही सब है और ये मिट्टी वाले ये मेन होता है, इस मिट्टी वाला ये जो घड़ा टाइप है ना इसमें है आटा के लड्डू और ये पूरी की पूरी थाल थी बड़ी सी इसमें मेवा वाली कतरी बनी हुई है जो कि हमारे साइड मेवा वाली कतरी बहुत फेमस होती है। अगेन ये एक टंकी में आटा के लड्डू हैं हाँ स्टील की और यहाँ पे ना ये छोटे डिब्बों में जो स्टील के डब्बे हैं ना इनमें तेल घी आया हुआ था और बेबी के बहुत सारे कपड़े हैं हाँ हम लोग का और इन लोग का। तो ये आप लोग देख सकते हो जो बड़े पापा की बहू है ना वो लेकर के आई थी इनके लिए कुर्ता सेट, बहुत प्यारा लग रहा है इन्होंने पहना हुआ था ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी अगेन सब साड़ियाँ हैं और ये बेबी का ब्लैंकेट सेट है, इसमें सारा रहता है कंबल वगैरह और पिलो सब कुछ रहता है और ये एक बड़ा सा लड्डू रहता है इसमें, मतलब ये लड्डू सासू माँ का रहता है और इसके अंदर ना कटोरियों के बीच में चांदी का सिक्का डाल करके इसको बांधा गया था तो इसको हिलाए ना तो आवाज़ आती है। और ये सारा ड्राई फ्रूट्स है मतलब सूखा वाला और अभी मैं आप लोगों को खोल करके इनको दिखा दूंगी इनमें क्या क्या है। तो ये आप लोग देख सकते हो किशमिश है, छुहारा है, काजू है, बादाम है और ये स्टील के डब्बे में गुड़ सौंठ इसमें है, मतलब कुछ भी आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा सारा का सारा इसमें मिल जाएगा। तो ये सारा ये सब कपड़े हैं इन लोगों के। तो पता है मैंने ना एक तरफ से वीडियो नहीं शूट किया है, जो मुझे जैसे समझ में आ रहा था ना बस वैसे ही मैंने सब शूट कर लिया है। और अगेन ये एक स्टील के डब्बे में चीनी है और इन डब्बों में बेसन है, मूंग की दाल है, उड़द दाल है। तो हमारे साइड ना ऐसे ही दौरी पीड़ा में दिया जाता है, जैसे लड़की को विदा करने के टाइम पे सारा सामान दिया जाता है ना वैसे ही दौरी पीड़ा में भी सामान दिया जाता है। तो ये यहाँ पे ना पापा और चाचा लोग के कपड़े हैं। तो बस हो गया, यही सब चीज़ें हैं, मैंने सोचा मैं दिखा दूँ। और ये मेरी जो भांजियाँ हैं ना दोनों उनके कपड़े हैं और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, मेरा मन कर रहा था कि हाँ चलो ठीक है सब कुछ शूट करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, अगर आप लोग को भी कभी कुछ ऐसा करना है तो थोड़े बहुत आइडिया भी हो जाए। अभी आप लोगों को दिखा दूँ उदयन के लिए क्या क्या ज्वेलरी आया हुआ है। तो यहाँ पे सोने की चैन है, सोने के हाथ के चूड़ा हैं,
कमर का है, पैर का है और गले का वो हाय चंद्रमा भी है, सोने की हाय है, चंद्रमा है, यही सारी चीज़ें हैं, कमर का भी है, पैरों का भी है। और मुझे माँ के लिए और मेरी ननंद के लिए, हम तीनों के लिए पायल बिछिया है, तो यही सारी सब चीज़ें आई हैं। ये हाथ के सोने के चूड़ा है, तो जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तब पहनाऊँगी। और चलो ठीक है, अगर पसंद आया हो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।